का हर सफा, खुशियाँ रहे या रहे गम की सजा। क्यों बेचैन है हर कोई, जिंदगी का लौट आए, इंसान भी इंसान हो जाए, जो जगे दबी रूह का आंसू। अब्बू ने शादी की रात दिया था तुम्हारे लिए, आप लोगों से गुजारिश है कि मैं अपनी बेटी से अकेले मैं कुछ बात करना चाहता हूं, तो आप लोग। बेटी, ये मेरी तरफ से अफजल के लिए शादी का तोहफा है, अगर एक गुजारिश है तुमसे बेटी कि ये तोहफा उसे तुम तब देना जब हयात बाकी ना रहे। अब्बू, तुम ही से खोलो, पढ़ो क्या लिखा है। ये तो अब्बू का वसीयतनामा है। मैं रियाज अहमद वल सुल्तान अहमद अपने पूरे होशो हवास में ये तहरीर करता हूँ कि मेरी मौत के बाद मेरी मनकुला और गैर मनकुला सारी मिल्कियत के मालिक मेरे दामाद जनाब अफजल खान होंगे। फरमाइए। सुनिए। अरे मेरी जान, अभी तुम्हें याद कर रहा था। बोलो क्या सरगर्मी है आज शाम की? आज शाम को रंगीन बनाने के लिए ही तो आपको फोन किया है। सुभान अल्लाह, मजा आ गया सुनकर। तुम हमेशा महाबलेश्वर चलने का इसरार किया करते थे ना, तो आज तुम्हारे लिए इस बंबई को महाबलेश्वर बना दूंगी। क्या बात है, ज़े नसीब, आज तो हम पर बड़ी इनायत हो रही है। आज की रात सिर्फ तुम और मैं। ये चंद फूल है उस कुल बदन के लिए जिसके सामने चमन के सारे फूल बेरंग हैं। जनाब आशिक साहब, ऐसी भी क्या बेताबी है। कितने इंतजार के बाद आज ये हसीन शाम नसीब हुई है। बेकरारी बढ़ती जा रही है, ले गया छीन कर कौन तेरा सब्र खरार, बेखरारी तुझे है दिल, पहले तो कभी ऐसे ना थी। बस कुछ लम्हात तक और सब्र कीजिए। इस वक्त कौन आ गया कबाब में हड्डी? मैं देखती हूँ। फरमाइए, मैं हूं रूही कादर। जीनत,
जीनत, अफसर तुम यहां क्या कर रही हो? जनाब अफसर साहब, चौंकने की जरूरत नहीं है, जीनत मोहतरमा को मैंने ही फोन करके यहां बुलाया है। तुमने? हाँ मैंने, और ये जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि मैं उन कादिर कुरैशी साहब की बेटी जो बेकसूर होते हुए भी तुम्हारी साजिश की वजह से 5 साल की सजा काट रहे। जीनत मोहतरमा, इस इंसान की साजिश की वजह से मेरे बेकसूर अब्बू को 5 साल की सजा हो गई और हमारे पूरे खानदान को रास्ते की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। उस दिन मैंने ठान लिया कि इस इंसान को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी और आपके सामने इसके चेहरे से ये नकाब उतार कर रहूंगी। अरे ये क्या समझता है कि इसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया? नहीं, बल्कि ये खुद मेरे फैलाए हुए जाल में आके फंस गया। जीनत, जीनत ये सरासर झूठ बोल रही है। चुप रहिए, शर्म नहीं आती तुम्हें इस कदर झूठ बोलते हुए? जिस दिन मोहम्मद अली का फोन मेरे अब्बू के पास आया और मेरे अब्बू ने दम तोड़ा था, उसके बाद मैंने मोहम्मद अली से मुलाकात की थी और उसने तुम्हारे सारे काले कारनामे मेरे सामने खोल कर रख दिए थे, सब कुछ जानते हुए भी मैंने खुद को ये सोचकर बहला लिया कि हो सकता है मोहम्मद अली तुमसे रंजिश की वजह से मेरे बने बनाए घर को बिगाड़ना चाहता है, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा अफजल तो ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने। जनाब अफजल खान, जिस दौलत को पाने की लालच में तुमने इतने जलील काम किए, वो दौलत तुम्हें मुबारक हो। मैं आज इसी वक्त तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर जाती हूं। जीनत, कादिर कुरैशी साहब की जो बेकसूर होते हुए भी तुम्हारी साजिश की वजह से पिछले 5 साल से सजा काट रहे। अगर बेटी एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो क्या अबू? अफजल ने हमारे सामने ही ये तजवीज क्यों रखी? ये बड़ा अहम सवाल है बेटी, ये उसकी नेक नियति है या फिर कोई साजिश? इसलिए मेरा मशवरा ये है बेटी के उसके साथ हाथ मिलाने से पहले हमें उसकी नियत को अच्छी तरह से टटोल लेना चाहिए। मैंने कहा यही बात एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो। जीनत, मुझे चालबाजी, मक्कारी, धोखेबाजी जैसे कामों से सख्त नफरत है। कि जिन लोगों के साथ आप अच्छी तरह से वाकिफ ना हो तो उनकी बातों पर यकीन मत करो और उनके साथ सौदा भी मत करो। रिया साहब, अफजल खान जब किसी को कुछ कह देता है तो उसे पूरा करने से पहले दम नहीं लेता। हाँ ये बात और है कि मेरे काम करने का तरीका कुछ और है। अब आगे और क्या हासिल करने की तमन्ना रखते हो? अब ऐसी कोई खास तमन्ना नहीं रही, अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि जब तक जीऊं नेक काम करता रहूं। इस मुबारक मौके पर आप जैसे मौजूद मेहमानों की मौजूदगी में मैं अपनी लाडली बेटी जीनत की जनाब अफजल खान से निस्बत का ऐलान करता हूं।
कभी यूं बिया निगाह में कि मेरी नजर को खबर ना, एक रात मुझे नवाज दे, फिर उसके बाद सहर ना। ऐसे में हमारा ये मशवरा है कि क्यों ना रियाज तामीरात और खान तामीरात को एक ही इदारे में बदल दिया जाए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं आपकी मोहब्बत और फराक दिली में मैं अपना खुद का वजूद ना खो बैठूं। कि जो गोलियां शब्बों पर चलाई गई थी, दरअसल वो गोलियां अफजल पर चल रही थी। अब्बू, आपके लिए मोहम्मद अली साहब का फोन है। फरमाए मोहम्मद अली साहब। अबू क्या हुआ? अबू, अबू, अफजल, अबू, अबू, अगर एक गुजारिश है तुमसे बेटी, ये तोहफा उसे तुम देना, जल्द ते हयात बाकी ना रहे। मैं रियाज अहमद, मैं सुल्तान अहमद, सुल्तान अपने पूरे होशो हवास में ये तहरीर करता हूँ कि मेरी मौत के बाद, मेरी मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल, सारी मिल्कियत के मालिक मेरे दामाद जनाब अफजल खान होंगे। जनाब अफजल खान, जिस दौलत को पाने की लालच में तुमने इतने जलील काम किए, वो दौलत तुम्हें मुबारक हो। आज इसी वक्त तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर। आपकी बेगम आपसे मिलना चाहती हैं। जीनत, 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 सर, अभी कुछ मत बोलो। इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम जब ठीक हो जाओगी तब बात करते। नहीं, नहीं जीनत, नहीं। सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। सच सच
सुल्तान। जीनत, जीनत पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम जो पूछोगी मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैंने कहा ना, मेरे पास बहुत कम है। तुम मुझे इतना बताओ, मेरे अप्पू ने दम तोड़ने से पहले किले में क्या कहा था? जीनत, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी हकीकत से वाकिफ हो गया हूं। मेरी जीनत बड़ी मासूम है, मैं तुमसे आज छोड़ के दरखास्त करता हूं। अपने वायदे के लिए मेरी बच्ची को दो, उसे कभी बेसहारा मत छोड़ना, वादा करो। जीनत, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं हूं ना जीनत, मैं हूं ना जीनत, तुम डॉक्टर। जीनत मेरी बात सुनो, तुम नहीं जा सकते जीनत। अफसल साहब, हमें अफसोस है, माँ बेटी में से हम सिर्फ बेटी को बचा सकते। Thank you.
तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई बहन को लिए दिली सुकून हासिल करने की कोशिश में इधर उधर भटक रहा हूं। लेकिन वो सुकून आज भी मुझे नसीब नहीं हुआ है। मेरा दिल बार बार बेचैन होता है। मेरा माजी, मेरे बदामाल आज भी साये की तरह मेरा पीछा कर रहे हैं। इस नई सुबह की तरह आज से आप भी एक नए शब्बीर को देखेंगे। खुशियाँ रहे या रहे गम की सजा, क्यों बेचैन है हर कोई, पल पल हर पल खुशियों की एक वजह। सुकून जिंदगी का लौट आए, अज़्म अज़्म ये अज़्म दबी